हेलो फ्रेंड, जैसे देख सकते हैं कि आप हम लोग आए हुए हैं धारखीरो का, ये जगह है कतरास का और ये है आंगनबाड़ी का एक केंद्र। इसके अंदर सांप होने का सूचना मिला है, कहा जा रहा है कि ढमना सांप है। बंदर घुस के हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा सांप है। बने रहिए वीडियो में। आप किधर घुस रहे? हाँ उधर सर, इधर। हाँ आपके ये देखिए सांप, और ये कोई ढमना नहीं है और ना ही ये किसी अजगर का बच्चा है। ये काफी खतरनाक, देख सकते हैं रसल स्वाइपर, काफी ये अटैक मोड पे ही बैठा हुआ है। अगर इसके नजदीक जाने का कोई कोशिश करेगा तो वो उसको काट लेगा। आप दूर से ही वीडियो कैमरा करें। और ये काफी ज्यादा जहरीला होता है, इसमें हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है और इसके काटने पर सूजन, दर्द और मांस गलने लगता है। अगर इलाज ना किया जाए तो लोगों का मृत्यु एकदम होना ही है। जब भी ऐसा सांप आप देखें तो उसको ध्यान से देख लीजिए, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर। ये कोई अजगर नहीं है, ये है रसल स्वाइपर, काफी खतरनाक। ये हम लोग ले लिए हैं क्योंकि इक्विपमेंट था नहीं, अचानक कॉल आया। तो ये इस तरह से आप लोग कर सकते हैं क्योंकि इसको आपको हाथ से कभी नहीं हैंडल करना है। इस तरह से आप रॉड को एल से बना के उसको हैंडल कर सकते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा दूरी बनाइए। वीडियो तो मेरा सामने भी आने दीजिए सर, मेरा घर में निकला है। देखते हाँ, तो रोल ले लेते बात है। इसको हम लोग धीरे धीरे इस बोरा के अंदर भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हमको बाहर ले जाना होगा। अब बाहर चलते हैं। लेकिन ये बाड़ू नहीं है, बढ़िया देख लीजिए। ये रसल स्वाइपर है, काटे का तो जान ले लेगा। दवाल तो चढ़ जाएगा। अजगर भी नहीं है। अक्सर इसी तरह से आज कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि यही अजगर बोल के एक आदमी ने इसको पकड़ा और उसका हाथ में काटा और वो मर गया। उसको आप इसी तरह से दूर से हैंडल कीजिए, वो हैंडल हो जाएगा, चला जाएगा। सांप आपको अपने से काटने नहीं आएगा जब तक आप उसको छेड़िएगा नहीं। जब तक उसको नजदीक नहीं जाइएगा, उसको परेशान नहीं कीजिएगा, तब तक वो नहीं काटेगा। इसको ज्यादा हम परेशान नहीं किए, हमको काटने भी नहीं आया। इसको हम सिंपल इस तरह से रॉड से पकड़े और बोरा के अंदर डाल दी, तो बोरा के अंदर खुद ब खुद चला गया। अब इसको हम लोग यहाँ से लेकर सुरक्षित जगह पे छोड़ देंगे जंगल में, जहाँ ये भी सुरक्षित रहेगा और आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे। सही बात। और रिक्वेस्ट है, नहीं हम लोग सांप को मारते नहीं, बचाते हैं और सबको बचाना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक प्रेमी अगर आप लोग हैं तो ये सांप का पर्यावरण में रहना बहुत जरूरी है इकोसिस्टम के लिए। और ये आंगनबाड़ी केंद्र है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर किसी से कि इसका अगल बगल सफाई रखें क्योंकि छोटे बच्चे लोग आते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा आंगनबाड़ी बना रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। और इस जगह पे हम कुछ केमिकल्स दे देंगे, वो केमिकल्स का छिड़काव करते रहिएगा ताकि सांप ना घुसे। दीजिए ये सांप बहुत जो है ना बहुत खतरनाक सांप है, बुरा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग एक धारखीरो में एक आंगनबाड़ी से ये रसल स्वाइपर रेस्क्यू किया था। काफ़ी खतरनाक सांप है, लोगों ने इसे ढमना समझा था और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे। अगर ये काट लेता तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा एक डेढ़ घंटा भी जिंदा रह पाता। तो मैंने उसको रेस्क्यू किया अच्छे ढंग से, जैसे मैंने हाथ से लगाया भी नहीं था। उस टाइम मेरे पास नेक स्टिक भी नहीं था, मैंने एक रॉड का सहारा लिया। आप लोगों को मैंने दिखाया कि आप अगर सांप निकल जाए तो आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हाथ से कभी भी इस तरह का सांप को हैंडल ना करें। हम लोग जितने भी स्नेक एक्सपर्ट हैं और जितने भी लोग हैं न्यू जो है, हम लोग सबको यही कहते हैं कि कभी भी हाथ से इस तरह का सांप को हैंडल ना करें, जानलेवा हो सकते हैं। हम लोग ये जंगली इलाका में छोड़ने आए हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ काफ़ी दूर जाके छोड़ना पड़ता है जंगलों में,
इसीलिए कभी कभी शाम हो जाता है तो वक्त नहीं मिलता है, स्कूल्स वगैरह रहता है, तो इसको हम लोग आए हैं यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए। हम लोग इस जगह पे रिलीज़ कर देंगे, ये आराम से अपने जगह पे चला जाएगा। ये रसल स्वाइपर है, काफ़ी ख़तरनाक सांप, और कभी भी इसको अजगर का बच्चा ना समझें, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक हमारे लोकल में सीनीडी में एक लोग जो थे उसको अजगर का बच्चा समझ के खेल रहे थे इसके साथ, और काट लेने पर उनका मौत हो गया। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें। ये जो साउंड सुन रहे हैं इसका, ये साउंड इसका हिसिंग साउंड है, वार्निंग साउंड, क्या आप मुझसे दूर रहोगे। एक मिनट, इसको मैं यहाँ रिलीज कर दे रहा हूँ। कभी भी रिलीज करते समय भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि काफी नजदीक नहीं जाना है, क्योंकि ये पलट के वार भी कर सकता है। ये रसल स्वाइपर काफी बड़ा जाते हैं। जंगली इलाका में चला गया।